अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल क्रिएशनल स्टडी विद आरबी। मैंने जो टॉपिक शुरू किया हुआ था ये उसी की लास्ट एंड थर्ड एंड लास्ट वीडियो है मेरी प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड, और इसमें रेनफॉल और उसकी टाइप्स को मैंने डिस्कस करने। रेनफॉल क्या है वो तो मैं पहले बता चुकी हूँ। रेनफॉल की फर्दर हमारे पास चार टाइप्स हैं, चार में डिवाइड करते हैं। एक है हमारे पास रिलीफ रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल, कोस्टल रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। पहली जिसको मैंने डिटेल में डिस्कस करना है वो कन्वेक्शनल रेनफॉल है। जब मैंने आपको हवाओं वाला टॉपिक करवाया था, दर्जा हरारत का करवाया था, एयर प्रेशर का करवाया था, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि ज़मीन के करीब की जो हवाएं हैं वो गर्म होती हैं, और गर्म होकर क्योंकि हवा गर्म हवा हल्की होती है और हल्की हवाएं बुलंदी की तरफ उठ जाती हैं, और उस हला को फिल करने के लिए ठंडी हवाएं इर्द गिर्द के इलाकों से या बुलंद इलाकों से उस नीचे आती हैं और उस हला को फिल करती हैं। हवा का गर्म होकर ऊपर की ओर तरफ उठना इसे हम और हवा के सेके के उठने को हम कन्वेक्शनल करंट्स का नाम देते हैं, कन्वेक्शनल करंट कहते हैं। जब वो हवा बुलंदी पे जाती है, क्योंकि बुलंद इलाकों में या बुलंदी पे सतह ज़मीन से जब हम दूर जाते हैं, वर्टिकल मूव करते हैं, तो दर्जा हरारत कम होता है, वो हवा ठंडी हो जाती है। नतीजे के तौर पे जो बुखारात ऊपर बुलंद नीचे से ऊपर जाते हैं वो इस ठंडे जोन में पहुँच कर पानी के कतरों की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, बादल बनते हैं और वो हमारे पास रेनफॉल के फॉर्म में रिसीव हो जाते हैं। इस तरह हवा का एहसाली रमो या कन्वेक्शनल करंट्स फॉर्म में गर्म होकर ऊपर उठना, कंडेंसेशन के प्रोसेस के बाद बादलों का बनना और बारिश का रिसीव हो जाना, इसे हम कन्वेक्शनल रेनफॉल या फिर उर्दू में एहसाली बारिश का नाम देते हैं। रेनफॉल की जो दूसरी टाइप है ये कोस्टल रेनफॉल या फिर साहली बारिश है। आपको पता है कि पानी ज़मीन की निस्बत देर से ठंडा और देर से गर्म होता है, जबकि ज़मीन जल्दी ठंडी और जल्दी गर्म होती है। तो सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर लें कि ये वाली बारिश यानी कोस्टल या साहली बारिश हमेशा मोस्टली विंटर सीजन में होती है, जिस वक्त पानी गर्म हमारा होता है एज़ कम्पेयर टू लैंड। जब समुंदरों से नमी से भरपूर गर्म हवाएँ लैंड की तरफ मूव करती हैं, तो जब वो नमी से भरपूर हवा साहली इलाकों पे पहुंचती है, क्योंकि वहाँ पे ज़मीन का दर्जा हरारत गिरा हुआ होता है, ज़मीन ठंडी होती है, और वो बुखारात जो उस गर्म हवा के अंदर मौजूद होते हैं फ़ौरन से पानी के कतरों में कन्वर्ट होते हैं और बारिश की फॉर्म में रिसीव हो जाते हैं। ये हल्की बारिश होती है और इसका टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, मोस्टली थोड़े टाइम की होती है। इसे हम कोस्टल रेनफॉल या फिर साहली बारिश कहते हैं, जो समुंदरों से बुखारात और नमी के आने की वजह से बादलों में कन्वर्ट होते हैं और रिसीव हो जाती है। रेनफॉल की तीसरी मेजर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टाइप है इसे हम रिलीफ रेनफॉल कहते हैं। इंग्लिश में इसका दूसरा नाम ओरोग्राफिक रेनफॉल भी है, और उर्दू में इसे हम तबई बारिश कहते हैं। तबई यानी फिज़िकल से रिलेटेड। अब फिज़िकल कैसे कहते हैं ये आपको मैं आगे बताऊँगी। जब भी हवाएँ हमारी समुंदर से खुश्की की तरफ मूव करती हैं, तो ये पॉइंट आपका क्लियर है कि वो नमी से भरपूर हवाएँ होती हैं। जैसे कि इस डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा है कि समुंदर की तरफ से ठंडी हवा जो कि रेड कलर से, गर्म हवा जो रेड कलर से मैंने शो की हुई है, ये लैंड की तरफ आ रही है, पहाड़ों की तरफ आ रही है। आगे इसके रास्ते में एक तबई फीचर, फिज़िकल फीचर इन द फॉर्म ऑफ माउंटेन आ गया है, जिससे टकराने के बाद ये हवा रुक जाएगी। और इस रेड एरो के साथ लिखा हुआ है कि वार्म गर्म है, मॉइस्ट नमी से भरपूर है, एयर इज़ फोर्स्ड टू राइज ओवर हाई एरियाज। नमी से भरपूर इस गर्म हवा ये फोर्स हो गई है इस पहाड़ की वजह से कि ये बुलंद इलाकों की तरफ मूव करे। एंड ब्लू एरो के साथ लिखा हुआ है एयर कूल्स एंड कंडेंस, हवा ठंडी होती है और बादल बन और कंडेंस होने के बाद फार्मिंग क्लाउड्स बन रहे हैं। अब जब क्लाउड्स बनेंगे और वो क्योंकि पहाड़ों की विंडवर्ड साइड पे जहाँ से हवा ने ऊपर मूव किया उस साइड पे बन रहे हैं, तो पहाड़ों की इसी डायरेक्शन में बारिश रिसीव हो जाएगी। नीचे लिखा हुआ एरो से कि इट रेन्स, जब क्लाउड फार्मेट हो गए तो इट रेन्स हो जाएगी। अब क्योंकि फिज़ा के अंदर हवा के अंदर जितने भी बुखारात थे वो क्लाउड्स बने और इसी साइड पे रिसीव हो गया, तो दूसरी साइड पे हमारी जो हवा उतरेगी पहाड़ की दूसरी साइड पे, इस साइड को हम लोग लीवर्ड साइड कहेंगे बारिश की वजह से, इसको हम रेन शेडो जोन कहेंगे, ऐसा इलाका जहाँ पे बारिश नहीं होती और ये हवा खाली हवा होगी, खुश्क हवा होगी, और एयर डिसेंड्स, हवा नीचे आ रही है, वार्म है, गर्म है एंड बिकम ड्रायर और खुश्क हो चुकी है। ये हमारी तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीफ ओरोग्राफिक या फिर तबई बारिश है, और तबई फीचर के रस्ते में रुकावट डालने की वजह से हम इसको तबई बारिश का नाम देते हैं।
रेनफॉल की जो चौथी और आखिरी टाइप है ये साइक्लोनिक रेनफॉल है, जिसे उर्दू में हम गर्दबादी बारिश भी कहते हैं। ये बारिश गर्दबाद की वजह से होती है, क्योंकि एक गर्दबाद में मुख्तलिफ किस्म की हवाएं होती हैं, वो सर्द भी होती हैं और गर्म भी होती हैं। तो गर्दबाद के अंदर मौजूद ठंडी हवाएं गर्म हवाओं को ऊपर की तरफ उठने पर मजबूर कर देती हैं, क्योंकि वो हल्की हवाएँ होती हैं तो वो ऊपर उठ भी जाती हैं। बुलंदी पर जाने के बाद वो ठंडी होकर उनके अंदर मौजूद जो नमी होती है वो कंडेंस होती है, बादल बनते हैं और आखिरकार ये रेनफॉल की फॉर्म में हमें रिसीव हो जाती है। ऐसी बारिश को हम साइक्लोनिक बारिश या फिर गर्दबादी बारिश का नाम देते हैं। होप सो आपको प्रेसिपिटेशन की टाइप, रेनफॉल की फर्दर टाइप्स भी समझ आ गई होंगी। अगर इन चारों में से कोस्टल, कन्वेक्शनल, साइक्लोनिक, रिलीफ रेनफॉल में से कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लीव कर दें, मैं उसको रिप्लाई कर दूँगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।